बच्चों यहाँ कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। टर्न, ही टर्न दी लेफ्ट साइड। केम, आई केम होम लेट। क्लोज्ड, शी क्लोज्ड दी डोर। रिटर्न, आई रिटर्न दी लाइब्रेरी बुक्स। लुक्ड, बर्ड लुक्ड अप इनटू द स्काई। टोल्ड, माय मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। मिस्ड, आई मिस्ड माय वैन टुडे। Locked, he locked the door. Exercise C, learning about language. Doing words, the underlined words are doing words. They tell us that the people are doing. ये हमें बताते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं. Read the sentences. Bilal drives a jeep every day. Bilal हर रोज़ jeep चलाता है. Jeep drive करना. Drive is a action word. इसको हम अंडरलाइन करेंगे। रहीम इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ। रहीम अब फुटबॉल खेल रहा है। प्लेइंग इज़ अ एक्शन वर्ड। प्लेइंग एक एक्शन वर्ड है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। यस्टरडे मिस्टर स्मिथ वर्कड हार्ड। कल मिस्टर स्मिथ ने सख्त मेहनत की। यहाँ वर्कड उन्होंने काम किया इसलिए काम एक एक्शन या डूइंग वर्ड है इसलिए इसको भी अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन दी डूइंग वर्ड्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जुमलों को अंडरलाइन कीजिए। इनमें जो भी डूइंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। माई आंट लाइक्स ऑरेंजेस। लाइक्स को अंडरलाइन करेंगे। शी इज़ ईटिंग ऑन ऑरेंज नाउ। शी इज़ ईटिंग एन ऑरेंज नाउ। यहाँ वो खा रही हैं। ईटिंग जो है वो एक्शन वर्ड है। यस्टरडे शी वेंट टू द मार्केट। कल वो मार्केट गई। Went ये भी doing word है। She bought उन्होंने ख़रीदा। 12 oranges ख़रीदे उन्होंने। Bought is a doing word। She put the oranges in her bag। Put is also is action words और doing word। The oranges fell oranges गिर गए। Out on to the road गिरना ये भी एक doing word है। A bus squashed them flat। स्क्वैश्ड भी डूइंग वर्ड है। इस तरह बच्चों ये जितने भी डूइंग वर्ड्स इनको या एक्शन वर्ड्स हम कह सकते हैं इनको अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड रिपीट देम अलाउड। इन वर्ड्स को एहतियात से पढ़िए और इनको दोहराइए ऊंची आवाज़ में। डी आर डर सी आर कर वर्ड है। एफ आर फर वर्ड्स और एफ आर फेल वर्ड्स हैं। डी आर से ड्रेस ड्रिंक ड्राइव। सी आर से क्रो क्रॉप क्राई। एफ आर से बनता है फ्रॉक फ्रेंड फ्राई। एंड देन एफ एल से फ्लू फ्लैट फ्लॉप फ्लैप। अब बच्चों नीचे पिक्चर्स दी गई हैं जिनके ऊपर मैंने नेम राइट किए हैं। इनमें हमने देखना है फ्लैग एफ एल जो है वो किस में कौन सी लिस्ट में। ये बच्चों लास्ट लिस्ट में ऐड होगा फ्लैग। देन है ड्रॉप डी आर वर्ड्स में फर्स्ट लिस्ट में ये ऐड होगा। और इसके बाद है क्र सी आर का है क्रैब। लास्ट वर्ड है क्रैब जो कि सेकंड लिस्ट में ऐड होगा क्रैब। देन है फ्रॉग एफ आर वर्ड में नंबर थर्ड वाली लिस्ट में फ्रॉग वर्ड जो है वो ऐड होगा। तो बच्चों इस तरह हमने नीचे से वर्ड लेकर इस लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों ये नेक्स्ट एक्टिविटी है। वी शुड ऑलवेज़ फॉलो द क्लास रूम रूल्स। हम सबको क्लास रूम रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और पुट अ टिक मार्क विद ईच रूल। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप उसमें एक टिक लगाओगे। आई लिसन टू माई टीचर। इफ़ यू आर लिसनिंग टू योर टीचर। अगर आप अपनी टीचर को गौर से सुन रहे हो तो फिर आप उसको टिक लगाओगे। अदरवाइज आप इस पर क्रॉस लगा देना। आई पुट अप माई हैंड एंड वेट वेन आई वॉन्ट टू टॉक। अगर आप ही अपने बारी का इंतज़ार करते हो और बोलने के लिए आप अपना हाथ रेज करते हो अपना हैंड को ऊपर करते हो तो फिर आप इस पर टिक लगा दो। आई स्पीक पोलाइटली व्हेन आई एम इन क्लास। अगर आप अपनी क्लास में पोलाइटली नरमी से बात करते हो देन यू हैव टिक मार्क। आई लाइन अप व्हेन आई एम वॉकिंग विद माई क्लासमेट्स। अगर आप अपने क्लासमेट्स के साथ एक लाइन में चलते हो देन यू मार्क द टिक। I keep my hands and feet to myself। अगर आपने हाथ और पाँव को खुद के पास कंट्रोल में रखते हो
देन आप यहाँ टिक लगाओ, अगर आप थोड़ा लड़ते झगड़ते हो देन आप क्रॉस कर लो। आई डू माई वर्क ऑन टाइम, इफ़ यू डू योर वर्क ऑन टाइम देन मार्क टिक। आई पुट थिंग्स अवे व्हेन इट्स टाइम टू क्लीन अप, अगर चीज़ों के क्लीन करने का वक्त है तो फिर आप उन अपनी चीज़ों को साइड पे कर देते हो, मींस के सफाई के टाइम आप अपनी चीज़ों को साइड पे करते हो, देन आप टिक लगाओ। नेक्स्ट है बच्चों, ऐड मोर रूल्स डेट यू थिंक वी शुड फॉलो इन द क्लासरूम। आपको क्या आपके ख्याल में आपको मज़ीद भी कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए तो उसमें ऐड कीजिए। बी पोलाइट टू अदर्स, ये एक फिल हुआ है, नीचे आप अपने अकॉर्डिंग टू इसको फिल कीजिए। मैंने कुछ इसमें ऐड किया है, लिसन केयरफुली, कि आप क्लासरूम में एहतियात से सुनिए, केयर से सुनिए अपनी टीचर को, हेल्प अदर्स, क्लासमेट्स की हेल्प कीजिए, एंड वॉक जेंटली, और जब आप वॉक कर रहे हो बाहर निकले क्लास से तो आप जेंटली बहुत अच्छे तरीके से वॉक करें, ये नहीं कि आप स्लिप करते हुए जा रहे हैं या कूदते हुए जा रहे हैं। तो बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग टू यहाँ लिख सकते हो और इसको फिल कर सकते हो। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।